तो ये है लावा का ब्लेज 2 एंड इसको मैं पिछले लगभग 10 दिन से रगड़ रगड़ के अपने पर्सनल फोन की तरह यूज कर रहा हूँ एंड इसके ऊपर मैंने वो सारा काम किया है जो मैं अपने पर्सनल फोन के ऊपर करता हूँ। एंड आज मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ कि जो चीज़ें जो अनबॉक्सिंग वीडियो में जो ये चीज़ बोल रहा था फोन, वो रियल लाइफ में कैसी काम करती है, कहाँ पे फोन लैग करता है, कहाँ पे लैग नहीं करता। एंड अगर आप इस वाले फोन को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को यार पूरा जरूर देखना, आपकी बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व होगी। तो सारा कुछ आपको वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं तो बैक पैनल इस वाले फोन का एकदम ग्लास का है एंड यहाँ पे जो साइड का फ्रेम है वो प्लास्टिक का दिया हुआ है। मेरे यूज केस में यहाँ पे बैक पैनल पे मेरे को कोई भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं देखने के लिए मिले एंड साथ में मैंने इसको केस में यूज किया है तो कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं आए। डिजाइन फोन का काफी मिनिमल है, आप में से ज्यादातर लोगों को पसंद आएगा। ऊपर की तरफ कैमरे के दो बड़े बड़े गोले, लावा की ब्रांडिंग है और एकदम सिंपल सा डिजाइन देने की कोशिश करी गई है। और ऐसा नहीं है कि फोन कहीं से भी ऐसे दबता है या बैंड होता है, प्रेस होता है, कहीं से अंदर से आवाज आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो बिल्ड है वो लावा ने डेफिनेटली काफी बढ़िया दी है एंड इसके लिए मैं लावा को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन है जिसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर है और ये 10 out of 10 टाइम्स काफी अच्छी तरीके से काम करता है। एनिमेशंस मेरे को हल्के से स्लो लगे बट वो स्टॉक एंड्रॉइड के ज्यादातर फोन्स में होते हैं। वॉल्यूम रॉकर कीज है, इनकी टेक्टाइल फीडबैक काफी बढ़िया है। इस फोन में 9000 रुपये का होने के बावजूद भी सेकंड ही नॉइस कैंसिलेशन माइक है जो कि 9000 के किसी दूसरे फोन में मैंने अभी तक नहीं देखा। इसकी वजह से जो आपकी शोरगुल वाली जगह पे जो कॉल क्वालिटी होती है वो काफी बढ़िया हो जाती है। तो डिजाइन वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो मैं लावा को 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा। 9000 रुपये में ऐसा डिजाइन वाला फोन मैंने आज तक नहीं देखा। आप अगर इसको पकड़ोगे तो बिल्कुल भी ये 9000 रुपये का तो फील नहीं होगा, आराम से 20-25000 रुपये वाले फोन की फील देगा। अब फ्रंट से बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले पे कोई भी टेम्पर वगैरह लगा नहीं आता एंड आई रिकमेंड कि अगर आप इस फोन को लेते हो तो जल्दी इस पे लगवाने ला। मैंने भी अपने यूज में इस पे कोई टेम्पर वगैरह नहीं लगवाया बट मेरे को एक छोटा सा हेयर लाइन स्क्रैच यहाँ पे देखने के लिए मिला जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, नेक लाइन से अगर आप बहुत गौर से देखोगे तब दिखेगा एंड मेरे को भी ये एकदम रैंडमली चमका। अब बेजल्स वगैरह की बात करते हैं तो इस प्राइस के हिसाब से एवरेज साइज की है, चिन्ह हल्का सा मेरे को बड़ा लगा बट इस प्राइस पे ऐसे ही डिस्प्लेज मिलते हैं। सामने की तरफ 6.5 इंचेस का एक HD प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का एक पंचोल वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है एंड अगर सिंपल सम्स में केवल क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी मेरे को काफी अच्छी देखने के लिए मिली। ब्राइटनेस फोन में इतना है कि इंडोर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आउटडोर अगर आप ले जाते हो तो आप टेक्स्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें तो आसानी से देख लोगे बट वीडियोस वगैरह आउटडोर में आप नहीं देख पाओगे एंड वैसे भी आउटडोर में जाकर वीडियो कौन देखेगा धूप में बैठ। डायरेक्शन लाइट में हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है बट उसके अलावा हर केस में ब्राइटनेस यहाँ पे काफी एनफ है। अब क्वालिटी की बात करूँ तो यूट्यूब पे कॉस्टारिका नाम की वीडियो जिसको हर यूट्यूबर प्ले करते हैं, मैंने भी इसमें वो प्ले करके देखी एंड काफी अच्छी क्वालिटी मेरे को देखने के लिए मिली। अब यूट्यूब पे मेरे को नहीं मालूम ये HDR है क्या है बट जब मैंने क्वालिटी चेक की तो जो कॉस्टारिका वाली जो वीडियो थी वो 720p HDR में प्ले हो रही थी। आई डोंट नो कि ये क्या है बट जनरली अगर आप कोई भी वीडियो प्ले करते हो तो 1080p 60fps तक यूट्यूब पे वीडियो पे फोन प्ले कर लेता है तो वहाँ पे भी क्वालिटी काफी सही लगी। मैंने इस पे मल्टीपल मूवीज वगैरह भी देखी है रिसेंट टाइम्स में एंड क्वालिटी मेरे को देखो HD प्लस डिस्प्ले होने के हिसाब से भी काफी बढ़िया लगी। अब जनरली HD डिस्प्ले में होता क्या है कि मेरे पास रियलमी वगैरह के भी एक दो फोन्स हैं तो अब जब आप HD डिस्प्ले में गौर से देखते हो तो वहाँ पे पिक्सल्स नजर आने लग जाते हैं जो कि क्वालिटी को कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं बट इस केस में ऐसा नहीं है, डिस्प्ले काफी शार्प है, आप नेक्ड आई से पिक्सल्स वगैरह ऐसी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो ओवरऑल डिस्प्ले अगर मैं बोलूँ तो काफी बढ़िया लगी मेरे को, 10 में से 8 नंबर में डेफिनेटली डिस्प्ले को देना चाहूंगा। अब इसके लगे हुए UI से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ एंड UI की बात थोड़े डिटेल में करते हैं क्योंकि UI से ही आप इंटरेक्ट करोगे फोन में क्या है कैसे है वो सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं लेकिन आपका जो कॉन्टैक्ट होगा वो सबसे पहले UI का होगा। ये फोन क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड पर रन कर रहा है और इसमें एंड्रॉइड 12 अभी के टाइम पे चला हुआ है। लावा ने बोला है कि बहुत ही जल्दी वो इस वाले फोन में एंड्रॉइड 13 का भी अपडेट दे देंगे एंड अप्रैल 5 का ही इसमें सिक्योरिटी पैच लगा हुआ है तो उस मामले में ये काफ़ी बढ़िया है। वैसे मैं ट्विटर पे लावा को फॉलो करता रहता हूँ एंड मैंने रिसेंट टाइम्स में लावा के देखे हैं कि ये अपने सस्ते से लेंगे महंगे फोन तक काफ़ी अपडेट्स वगैरह रिलीज करते रहते हैं। वैसे आपका भाई ट्विटर पे आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो आप देखो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे काफी क्लीन है, एक सिंगल ब्लोटवेयर मेरे को देखने के लिए नहीं मिला, कोई ऐड नहीं, कोई ब्लोटवेयर नहीं, कोई नोटिफिकेशन उल्टा सीधा नहीं, एकदम क्लीन फोन है। इसको एकदम क्लीन फोन चाहिए उसके लिए यही एक ऑप्शन है। आजकल मोटो के फोन्स में भी थोड़े बहुत एड्स वगैरह और सजेशन वगैरह आने लग गए बट ये 100% एकदम क्लीन है एंड क्लीन होने के साथ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फीचर्स नहीं मिलेंगे, फीचर्स भी मिलेंगे, सारे फीचर्स आपको गिराता हूँ लेकिन उससे पहले बता दूं कि सॉफ्टवेयर काफी स्मूथ है, बिल्कुल भी ये फोन अटकता नहीं है। डे टू डे लाइफ के जितने भी काम किए उसमें एक भी बार नहीं अटका एंड उसका क्रेडिट जाता है इसके प्रोसेसर को, उसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले एंड मैंने इसको हमेशा परमानेंट 90 हर्ट्ज पे सेलेक्ट करके ही यूज़ किया है तो सॉफ्टवेयर काफ़ी इंप्रेसिव लगा मेरे को। हल्के फुल्के बग्स है, मैंने कई यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखा है कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में जो चीज़ें होती हैं वो हल्की सी कट जाती हैं बट मेरे साथ ऐसा केस में नहीं हुआ। मेरे साथ जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो सॉफ्टवेयर का वो काफ़ी बढ़िया लगा। तो छोटे मोटे बग्स हर फोन में मिल जाते हैं वो मे बी इसमें भी है एंड फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। गूगल का कोई अलग डायलर है जिसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यहाँ पे 6GB की नॉर्मल रैम है, आप उसको एक्सपेंड करके 11GB की कर सकते हो। डायनेमिक आइलैंड दिया हुआ है जिसका अलाइनमेंट हल्का सा ऊपर की साइड है बट इस प्राइस में देना ही बहुत बड़ी बात है। रिसेंट टाइम्स में एक टेक्नो का फोन था उसमें 20000 रुपये का फोन था टेक्नो का, उसमें डायनेमिक आइलैंड दिया था और बहुत ही नीचे वो जहाँ पे आपका गूगल का सर्च बार होता है वहाँ पे शो होता था बट इसमें ऐसा नहीं है, काफ़ी बढ़िया है एंड वो भी थोड़ा यूजफुल है। सॉन्ग्स वगैरह अगर आपके प्ले होते हैं, चार्जिंग होती है तो वो सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं।
डुअल एप्स का यहाँ पे सपोर्ट है, आप फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इसके डुअल एप्स क्रिएट कर सकते हो, सेटिंग्स में जाके आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चार्जिंग एनिमेशन वगैरह को भी चेंज कर सकते हो, नेविगेशन बार ये सारी चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हो। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर क्लीन भी है, साथ में फीचर्स भी हैं, तो मैं तो भाई ऐसे सॉफ्टवेयर से एकदम इंप्रेस हो गया। एंड फोन पूरे में जब भी मैंने यूज़ किया एक भी बार नहीं अटका। अगर आपका ये फर्स्ट फोन है या फिर आप इसी प्राइस के किसी दूसरे फोन को चला रहे थे एंड अब इस लावा के फोन पर शिफ्ट करोगे ना, तो आप इस फोन को सही में अटका नहीं पाओगे। बहुत बढ़िया चलता है। यहाँ पे आपको 12 नैनोमीटर बेस्ड यूनिसॉक T616 देखने के लिए मिलता है, जो कि इस प्राइस पे आई नो कि काफ़ी रेयर है। मतलब जनरली ज़्यादातर फोन्स लिए G37 G35 वाले प्रोसेसर्स पे आते हैं, क्योंकि बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे 128GB की आपको 9000 रुपये में ही UFS 2.2 वाली स्टोरेज मिलती है, जो कि यार सच में बहुत ज़्यादा फास्ट है। मैंने अभी के टाइम पे गूगल करके देखा कि 10000 में कोई ऐसा फोन है जिसमें UFS 2.2 स्टोरेज हो, तो कोई भी फोन नहीं है। एंड 2.2 छोड़ो, कोई UFS की स्टोरेज वाला फोन नहीं है। यहाँ पर रीड एंड राइट स्पीड्स काफ़ी अच्छी निकल के आती है। एंड साथ में जो ओवरऑल जो ऐप लॉन्चिंग का टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है, बहुत ही जल्दी फोन ऐप को लॉन्च कर देता है। और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ना इस फोन की बहुत सॉलिड है। AnTuTu में इस वाले फोन ने 270000 तक हिट कर दिया, जो कि 10000 किसी दूसरे फोन के बस की बात नहीं है। तो परफॉर्मेंस तो मैं भाई सच में बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। सॉफ्टवेयर भी कहीं नहीं अटकता और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिलती है। कैजुअल गेम्स आप बड़ी आसानी से खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। डेली लाइफ के कामों में कोई दिक्कत नहीं होगी। हैवी गेमिंग मैंने COD वगैरह इस पे ट्राई किया, तो आधा पौन घंटे के बाद यहाँ पे थोड़ी सी हीटिंग शो होने लग जाती है, जो कि इस प्राइस में ऑब्वियस है। एंड सेटिंग्स वगैरह जो मिलती हैं वो आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हो। तो परफॉर्मेंस भाई एकदम इंप्रेसिव है, 10 में से 9 नंबर इसको परफॉर्मेंस में देना चाहूँगा। आपको इसकी प्राइस भी याद रखनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे एक इंप्रेसिव चीज़ ये है कि 9000 रुपये में ये फोन 6GB रैम प्लस 128GB के साथ आता है, जो कि कोई दूसरा फोन नहीं आता। आई नो अभी के टाइम पे आप बोलोगे कि इन्फिनिक्स का एक फोन आता है 8GB प्लस 128GB के साथ, और प्रोसेसर वहाँ पे हेलियो G37 है, जो कि अगर AnTuTu बेंचमार्क आप रन करते हो तो 100000 स्कोर करेगा, और ये 270000, तो बहुत ज़्यादा जंप है। केवल रैम बढ़ाने से कुछ नहीं होता, प्रोसेसर में भी ताकत होना चाहिए। अब बैक साइड लगे कैमरे की बात करते हैं, तो यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 2 का एक डेप्थ सेंसर है, और फ्रंट की साइड 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अगर आप मेरे को अभी से बोलोगे तो मैं इसका एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू डाल दूंगा, जिसमें कैमरे को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप मेरे को बोलोगे। नहीं तो ओवरऑल अगर कैमरे को जज करूँ तो डे लाइट में काफ़ी अच्छे फोटो लेता है, डिटेल्स थोड़े से कम रहते हैं बट फोटोज ओवरऑल दिखने में काफ़ी अच्छे आते हैं। और डे लाइट में अगर आप नॉर्मल फोटोज लेते हो तो HDR वगैरह भी काफ़ी सही तरीके से काम कर लेता है। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह के फोटोज ले रहे हो और ऐसे फोटोज ले रहे हो, तो कैमरा मेरे को काफ़ी सही लगा। अबव एवरेज मैं बोलना चाहूँगा, एकदम एवरेज नहीं है, एवरेज से थोड़ा अच्छा ही है। फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है फ्रंट बैक दोनों साइड से। EIS ऑब्वियसली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इस प्राइस पे। और जो कैमरा है वो ठीक ठाक है, लो लाइट में थोड़ा स्ट्रगल करता है, उतने अच्छे फोटोज निकाल के नहीं देता है। बट इस प्राइस पे हम कैमरे के लिए ज़्यादा कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां कैमरे में बहुत गंदा परफॉर्म करती हैं एंड स्टिल ये उनसे बेटर ही परफॉर्म करता है। अब बैटरी की बात करते हैं, बैटरी ही इस पूरे फोन को चलाने वाली है। और इस वाले फोन में 5000mAh की बैटरी है। एंड जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि मैंने इसको 90Hz पे परमानेंट सेट करके रखा था, फिर भी मेरे को 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से देखने के लिए मिल गया। तो बैटरी भाई सच में इस फोन की काफ़ी अच्छी चलती है एंड फोन उतना ज़्यादा हैवी भी फील नहीं होता। इसके अलावा 18W की फास्ट चार्जिंग है एंड 18W का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिलता है। ये भी 9000 रुपये में बहुत ही रेयर चीज़ है, ज़्यादातर फोन्स में 10W का आता है। एंड कुछ फोन्स में तो आज भी माइक्रो USB पोर्ट है, स्टिल इस वाले फोन में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है। मैंने चार्जिंग टेस्ट इसका ऑलरेडी डाला हुआ है, कितनी देर में कितना चार्ज होता है वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक डाल दूंगा। और ओवरऑल चार्जिंग की बात करूँ तो 1.5 घंटे में फोन करीब 90% चार्ज हो जाता है, 0 to 90%। तो चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी बढ़िया है। ये वाला फोन डुअल 4G है, 5GHz वाईफाई को भी सपोर्ट करता है। सेंसर से यहाँ पे जायरोस्कोप आपको देखने के लिए नहीं मिलता, उसकी थोड़ी बहुत कमी आपको कर सकती है, बट 9000 में ऐसा मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो सकता है। यहाँ पे सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है एंड इसकी लाउडनेस काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे वोकल्स वगैरह काफ़ी क्लियर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पीकर एकदम फट जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पीकर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल अगर मैं 9000 रुपये के हिसाब से इस वाले फोन को देखूँ, तो आप चाहे किसी भी टाइप के यूज़र हो, अगर आपका बजट 10000 के अराउंड है तो आप इस वाले फोन को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया मेरे को देखने को लगा, सब चीज़ें मेरे को ऑन पॉइंट देखने के लिए मिली। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर अच्छा लगा तो दोस्त लाइक जरूर करना यार, बहुत मेहनत लग जाती है ऐसी वीडियोज़ में। एंड सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि और वीडियोज़ आप तक पहुँचती।